प्रश्न, रमजान का रोजा किस व्यक्ति पर अनिवार्य है? उत्तर, हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह ताला के लिए योग्य है। आदमी पर रोजा उस वक्त अनिवार्य होता है जब उसके अंदर 5 शर्तें पाई जाए। सर्वप्रथम वह मुसलमान हो, द्वितीय वह मुकल्लफ अर्थात बुद्धि वाला और बालिग हो, तीसरी वह रोजा रखने पर सक्षम हो, चौथी वह निवासी हो और 5वीं शर्त यह है कि वह रुकावटों से खाली हो। ये 5 शर्तें जब भी आदमी के अंदर पाई जाएंगी उस पर रोजा रखना अनिवार्य होगा। पहली शर्त से काफिर व्यक्ति निकल गया, अतः काफिर पर रोजा रखना अनिवार्य नहीं है और न तो उसका रोजा रखना ही सही है। यदि वह इस्लाम स्वीकार कर ले तो उसे रोजे की कजा का हुक्म नहीं दिया जाएगा। इसका प्रमाण अल्लाह ताला का यह फरमान है, वमा मनाअहुम अन तुक्बल मिनहुम नफकातुहुम इल्ला अन्नहुम कफरू बिललाहि वबिरसूलिह, अर्थात उनके वे के स्वीकार न किए जाने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है कि उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को मानना अस्वीकार कर दिया। जब उनके कुफ्र के कारण उनके खर्च को जिसका लाभ दूसरों तक पहुंचने वाला है स्वीकार नहीं किया जाएगा तो व्यक्तिगत इबादतों को तो और भी अधिक नहीं स्वीकार किया जाएगा। रही बात उसके इस्लाम लाने के बाद कजा न करने की, तो इसका प्रमाण अल्लाह ताला का यह फरमान है, قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف, अर्थात आप काफिरों से कह दीजिए कि यदि वे बाज आ जाए तो उनके बीते हुए पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। तथा अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के तरीके से साबित है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाने वाले को उससे छूटी हुई वाजिबात को कजा करने का हुक्म नहीं देते थे। यदि काफिर इस्लाम नहीं लाया तो क्या रोजा छोड़ने पर आखिरत में दंडित किया जाएगा? इसका उत्तर यह है कि हाँ, उसे छोड़ने पर तथा सभी अनिवार्य इबादतों और उपासनाओं को छोड़ने पर उसे दंडित किया जाएगा। क्योंकि जब अल्लाह का आज्ञाकारी और उसकी शरीयत का प्रतिबद्ध मुसलमान उसके कारण दंडित किया जाएगा तो घमंड करने वाले काफिर को और अधिक दंडित किया जाना चाहिए। और जब काफिर को अल्लाह के खाना पानी और कपड़े की नियमतों से लाभान्वित होने पर सजा दी जाएगी तो निषिद्ध कामों को करने और वाजिबात को छोड़ने पर वह और अधिक सजा का हकदार है और यह कयास के आधार पर है। रही बात कुरान या हदीथ के प्रमाण की, तो अल्लाह ताला दाएं पक्ष वालों के बारे में फरमाता है कि वे अपराधियों से कहेंगे, मा सलककुम फी सक़र क़ालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुत्इमुल मिस्कीन وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ, अर्थात तुम्हें किस चीज़ ने नरक में डाल दिया? वे कहेंगे कि हम नमाज पढ़ने वालों में से नहीं थे और हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे और हम असत्य और अनुचित बातों में घुसने वालों के साथ घुसते थे तथा हम बदले के दिन अर्थात क़यामत को झुठलाते थे। तो इन 4 चीज़ों ने ही उन्हें नरक में पहुँचाया है। हम नमाजियों में से नहीं थे, नमाज, हम मिस्कीनों को खाना नहीं खिलाते थे, ज़कात, हम असत्य और अनुचित बातों में घुसने वालों के साथ घुसते थे जैसे अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाना, और हम बदला के दिन को झुठलाते थे। दूसरी शर्त वह मुकल्लफ हो, और मुकल्लफ बालिग और बुद्धिमान व्यक्ति को कहते हैं क्योंकि छोटी आयु के साथ और पागलपन के साथ शरीयत के प्रावधानों की पाबंदी लागू नहीं होती है। बालिग होने की पहचान 3 चीज़ों में से किसी एक के द्वारा होती है। बुद्धिमान का विपरीत पागल है, अर्थात बुद्धिहीन, जैसे पागल, नासमझ और मंद बुद्धि वाला। अतः हर वो आदमी जिसके पास किसी भी तरह से बुद्धि नहीं है तो वो मुकल्लफ नहीं है, और उनके ऊपर दीन के वाजिबात में से कोई भी कर्तव्य अनिवार्य नहीं है, ना नमाज, ना रोज़ा, ना खाना खिलाना, अर्थात उसके ऊपर कुछ भी अनिवार्य नहीं है। तीसरी शर्त सक्षम, अर्थात रोज़ा रखने की ताकत रखने वाला। रही बात असक्षम और बेबस आदमी की, तो उसके ऊपर रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ, अर्थात जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी करे। लेकिन असमर्थता व असक्षमता के 2 प्रकार है, एक सामयिक असक्षमता और दूसरी अस्थायी असक्षमता। सामयिक बीमारी वो है जो पिछली आयत में वर्णित है, जैसे वो व्यक्ति जिसे ऐसी बीमारी हो जिसके समाप्त होने की आशा हो, और मुसाफिर आदमी, तो इनके लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है, फिर उनसे जो रोज़ा छूट गया है उसकी कज़ा करेंगे।
अस्थाई असक्षमता, जैसे ऐसा बीमार जिसकी बीमारी के ठीक होने की आशा न हो और वयोवृद्ध जो रोजा रखने में असक्षम है, और वही अल्लाह ताला के इस फरमान में वर्णित है, वअललदीना युतीकूनहु फिदयतुन तअमु मिस्कीन, अर्थात जो लोग बहुत कठिनाई के साथ इसकी ताकत रखते हैं उनके ऊपर एक मिस्कीन को खाना खिलाने का फिदिया है। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा ने इसकी व्याख्या यह की है कि बूढ़ा और बुढ़िया यदि वे दोनों रोजा रखने की ताकत नहीं रखते हैं तो वे दोनों हर दिन के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाएंगे। चौथी शर्त, वो मुकीम अर्थात निवासी हो। यदि वो मुसाफिर है तो उसके ऊपर रोजा रखना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, वमन काना मरीदन औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, और जो बीमार हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिनों में उसकी गिनती पूरी करे। और विद्वानों की इस बात पर सर्वसहमति है कि मुसाफिर के लिए रोज़ा तोड़ना जायज़ है, जबकि मुसाफिर के लिए सर्वश्रेष्ठ यह है कि वो सबसे आसान चीज़ करे। यदि रोज़ा रखने से उसे नुकसान पहुंचता है तो उसके लिए रोज़ा रखना हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है, वला तक्तुलू अन्फुसकुम इन्नल्लाहा काना बिकुम रहीमा, अर्थात तुम अपनी जानों को ना मारो, निसंदेह अल्लाह तुम पर दयालु है। यह आयत इस बात को दर्शाती है कि जो चीज़ इंसान के लिए हानिकारक है उससे उसे रोक दिया गया है। यदि आप कहें कि रोज़े को हराम ठहराने वाले नुकसान का मापदंड क्या है, तो इसका उत्तर यह है कि नुकसान का पता एहसास से होता है, अनुभव से होता है, और कभी सूचना से भी होता है। जहाँ तक एहसास की बात है तो स्वयं बीमार व्यक्ति को महसूस हो कि रोज़ा उसे नुकसान पहुँचा रहा है और उसकी तकलीफ़ को बढ़ा रहा है और उसके आरोग्य होने को विलंबित कर रहा है, और इसके समान अन्य चीज़ें भी इसी में शामिल हैं। जहाँ तक सूचना की बात है तो कोई भरोसेमंद जानकार चिकित्सक इस बात की सूचना दे कि रोज़ा उसे नुकसान पहुँचाता है। पांचवी शर्त, रुकावटों से खाली होना। यह महिलाओं के साथ विशिष्ट है, चुनांचे मासिक धर्म वाली और प्रसूता महिला पर रोज़ा रखना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे पारित करते हुए फरमाया, क्या ऐसा नहीं है कि जब उसे मासिक धर्म होता है तो वह न नमाज पढ़ती है और न रोज़ा रखती है। अतः सर्वसहमति के साथ उस पर रोज़ा अनिवार्य नहीं है और न ही उसका रोज़ा रखना सही है, तथा सर्वसहमति के साथ उस पर कज़ा करना अनिवार्य है, और अल्लाह ताला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है।